हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 3। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब अवर चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 इज बोथ लिंक्ड, सो हमें ये कंबाइंड चैप्टर लेना ही होगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको पिक्चर में जैसा ट्विस्ट आपको दिख रहा है होता है, ठीक है, आप कोई भी पिक्चर देख रहे हैं वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं बीच में ट्विस्ट आप देखते हो, तो वैसे ही इस चैप्टर में ट्विस्ट होने वाला है। वो ट्विस्ट क्या होने वाला है वो आपको पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 3 वी हैव लर्नड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। हमने क्या सीखा था कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो कोई भी बिल्डिंग के एक ब्लॉक्स की तरह है। मतलब कोई भी बिल्डिंग होती है तो एक ब्लॉक से ही बनी होती है, या कोई एक ब्रिक्स है, ठीक है, कोई एक ब्रिक है या ब्लॉक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कंस्टिट्यूइंग देम। Now the question arises, what makes the atom of one element different from the atom of another element? अब क्या है कि कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, कोई एक एटम का एलिमेंट है, तो अगर दूसरा कोई एटम है तो उसका भी एलिमेंट है, तो वो दोनों डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? मतलब ऐसा क्या है कि वो दोनों डिफरेंट है? डाल्टन ने क्या कहा था वो भी देख लेते हैं, प्रपोज्ड बाई डाल्टन। और आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमने लास्ट टाइम है वो क्या लर्न किया था। ये पूरा जो पैराग्राफ है वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि डाल्टन ने ऐसा कहा था कि जो हमारा एटम्स है वो इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल मीन्स कि लास्ट में अगर कोई एटम का कोई एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो बचता है तो उसका फिर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा था? डाल्टन ने। कब कहा था? चैप्टर 3 की थियरी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कह रहा है ये जो चैप्टर है वो कि वो जो है वो डिविजिबल है, एटम्स जो है वो डिविजिबल है, ऐसा कह रहा है इस चैप्टर में। तो ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन देखिए, ये ट्विस्ट है। मैंने आपको बताया था चैप्टर 3 में हमने क्या समझा कि एटम्स एक इंडिविजिबल है, लेकिन इस चैप्टर में हमें कह रहे हैं कि एटम है वो डिविजिबल है और उसके अंदर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, तो ऐसा क्यों? तो चलिए देखते हैं आगे आगे, सभी डिटेल्स है वो हमारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ नहीं है कि जो भी प्रैक्टिकल्स किए थे उसकी बात है, तो हमें डायरेक्ट हम समझते हैं डायरेक्ट टॉपिक चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। कि जो भी यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल किया था तो फिर यहाँ पे कुछ यहाँ से चार्ज पार्टिकल्स है वो मिले, तो चार्ज पार्टिकल्स में हम चलिए देखते हैं कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे दो एक्टिविटी है, आपने दो में से किसी एक एक्टिविटी तो आपने की ही होगी। देखिए आपके ड्राई हेयर है, ठीक है, और कॉम्ब है, या आपके कॉम्ब ले लो या आपकी प्लास्टिक की स्केल ले लो, तो फिर आप क्या करते हैं कि कॉम्ब को है वो ड्राई हेयर से उसके साथ रब करते हैं और फिर उस कॉम्ब को या फिर स्केल को उसके पास कागज़ के जो छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर होते हैं, ठीक है, उसके पास हम ले जाते हैं। तो क्या होता है, उसके नज़दीक जब ले जाते हैं तो जो वो छोटे छोटे जो कागज़ के पीस है वो अट्रैक्ट हो गए, या तो स्केल या तो कॉम्ब किसी के ऊपर वहाँ पे चिपक जाएंगे। ऐसा हमने एक्टिविटी हमने कई बार की होगी, अगर नहीं किए तो आप कर सकते हैं। और एक दूसरी भी एक्टिविटी कर सकते हैं कि एक ग्लास रोड है, हमें उसको एक सिल्क का कोई एक कपड़ा है उसके साथ रब करना है और फिर उसको कोई एक बलून के नज़दीक उसको ले जाना है, तो क्या होगा कि वहाँ पे भी एक फोर्स है वो डेवलप होगा। तो ये ऐसा, तो क्या है कि बलून है वहाँ से
थोड़ा दूर चला जाएगा। तो ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं आखिर ऐसा क्या जनरेट हो रहा है उसमें। सो हमें यहाँ पे दे बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो यहाँ पे जब हम दोनों एक्टिविटी में हम एक दूसरे को जब रब कर रहे हैं दोनों एक्टिविटी में, ठीक है, तो ये जो चार्ज है वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन तभी मिला जब हमें ये जानने को मिला कि एटम से वो डिविजिबल है और वो जो एटम्स डिविजिबल है उसमें चार्ज पार्टिकल्स है। एटम्स क्या है, डिविजिबल है और चार्ज पार्टिकल्स वहाँ पे इंक्लूड है। अब देखिए मैं डायरेक्टली शॉर्ट में आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए कि कोई एक एटम है, ठीक है, एटम्स में अंदर का जो पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। एटम्स का जो अंदर का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन होते हैं। सॉरी मैं यहाँ पे क्या होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ के बाहर का जो पार्ट है वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या है, एटम है। तो चैप्टर थ्री में उसने कहा था डाल्टन ने कि एटम्स इज इनडिविजिबल, ठीक है, बट नाउ इन दिस चैप्टर सबने प्रैक्टिकल किया, सबने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसको पता चला कि जो एटम है वो किस किस से बना है, प्रोटॉन से बना है, इलेक्ट्रॉन से बना है और न्यूट्रॉन से बना है, ठीक है, अब समझ में आया। तो ये जो चैप्टर का जो मेन जो बेस है वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या होगा कि एक एक एक्सपेरिमेंट होते जाएंगे और एक एक जो पार्टिकल्स है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो वो हमें धीमे धीमे हमें खबर पड़ती जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइम, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज नोन बाय 1900 दैट द एटम वॉज इनडिविजिबल पार्टिकल। अब 1900 जब चल रहा था तब तक हमें पता था कि एटम से वो इनडिविजिबल है, लेकिन बाद में एक आया साइंटिस्ट जिसका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कहा कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसमें इलेक्ट्रॉन उसने फाइंड आउट किया। क्या हुआ, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन की। आपको एक मार्क्स में अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की शोध है वो किसने की, तो आपको कहना होगा जे थॉमसन ने, ठीक है। उसके साथ एक और साइंटिस्ट था गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने एक अलग सा एक गैस डिस्चार्ज जैसा एक प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। और तो आपको समझ में आ गया, गोल्डस्टीन है उसने गैस डिस्चार्ज एक प्रैक्टिकल किया। अब जो प्रैक्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको ओल्ड टेक्स्ट बुक है उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आज न्यू सिलेबस अगर फिर से हुआ है तो उसमें इन लोगों ने वो जो प्रैक्टिकल है वो कट कर दिया है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि गोल्डस्टीन ने गैस डिस्चार्ज एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, और उस प्रैक्टिकल के दौरान उन्होंने एक रेस है वो फाइंड किया, तो उसका नाम दे दिया केनाल रेस। अब देखिए, हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या होते हैं कि हम जब एक्सरे जब कराते हैं तो उसको जो रे होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स रे, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह का रे हुआ। तो इस तरह से अगर कोई भी डिफरेंट तरह के रे है तो यहाँ पे उसने एक डिफरेंट सा एक केनल रेज है वो फाइंड आउट किया। फिर साथ साथ दीज रेज वेर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशन विच अल्टीमेटली लेड टू डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या हुआ कि जो पॉजिटिव केनल रेज है वो कैसे मिले, तो केनल रेस के साथ साथ जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो भी उन्हें फाइंड आउट किए।
अब जो पॉजिटिव पॉजिटिव जो मिले वो क्या थे हमारे, वो प्रोटॉन थे। सो थॉमसन था, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया। और फिर ये गोल्डस्टीन था, तो उसने क्या किया कि ऐसे कैनल रेज फाइंड आउट किया, और उसमें से जो उसको चार्ज पार्टिकल्स मिले वो क्या थे, पॉजिटिव यानी प्रोटॉन। सो फाइनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो उसकी डिस्कवरी हो गई, ठीक है। यानी इन लोगों को पता चल गया कि सब एटॉमिक पार्टिकल है तो उसमें क्या क्या होता है। अब यहाँ भी आपको याद रखना है, इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स बड़ा है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मजबूत कौन है, प्रोटॉन है। कितना, 2000 टाइम्स उसका जो मास है वो इतना ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन को ई माइनस कहते हैं और प्रोटॉन को पी प्लस कहते हैं, तो ये हमें पता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो निग्लिजिबल है, उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। और निग्लिजिबल करके उसका चार्ज है माइनस वन लेते हैं और इसका चार्ज प्लस वन लेते हैं। यानी सिर्फ मैं शॉर्ट में आपको कह दूं कि प्रोटॉन है तो उसका प्लस वन चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन है तो उसका माइनस वन चार्ज है, और न्यूट्रॉन का क्या होता है, ज़ीरो, तो आपको पता ही है, ठीक है। सो ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में कहा गया है। सो यहाँ पे क्या हुआ, इट सीम दैट एन एटम वॉज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये फाइनल हो गया कि एटम किससे बना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। और यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटॉन है, देखिए यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर होता है। तो इस प्रोटॉन को है अगर हम इसको मूव करते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये सेंटर में है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हमें मूव करना है कि वहाँ से रिमूव कर देना है तो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि वो आउटर मोस्ट में वो मूविंग कर रहा है। तो ऐसा आपको इस पैराग्राफ में कहा गया है, तो आपको ये पैराग्राफ है वो रीड कर लेना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये क्या हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एटम से वो किस किस से बना है। अब देखिए यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के मुताबिक क्या था कि एटम से वो क्या है, इंडिविजिबल है, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन हुई, तब डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी वो क्या हो गई, फेल हो गई। और फिर अब ये क्वेश्चन आया कि एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह से अरेंज है, ठीक है। तो ये भी समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आया, कौन आया, जे थॉमसन। सो उसने एक मॉडल है वो रिप्रेजेंट किया, थॉमसन का एक मॉडल था उसने रिप्रेजेंट किया। सो हमें थॉमसन का मॉडल है वो हमें लर्न करना है। आपको समझ में आ गया, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये लर्न करना होगा, फिर आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, रुथरफोर्ड थॉमसन और रुथरफोर्ड हम ले लेंगे। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको थॉमसन का मॉडल है वो मैं अभी आपको कह देता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या है कि थॉमसन और रुथरफोर्ड दोनों मिक्स करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो चलिए पहले थॉमसन मॉडल है आज ही हम लर्न कर लेते हैं, वरना मैं नेक्स्ट टाइम लर्न करने वाला था, लेकिन आज हम कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे थॉमसन का जो मॉडल है तो उसने एक एग्जांपल दिया कि ये उसके जैसा सिमिलियर है। किसके जैसा, तो एक तो है क्रिसमस पुडिंग,
अब क्रिसमस पुडिंग आपने देखी होगी तो ठीक है, वरना आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास दूसरा एग्जांपल भी है। हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटरमेलन का, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए वाटरमेलन में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो रेड पार्ट होता है वो प्रोटॉन का होता है। देखिए नीचे क्या ऐसा होता है, ठीक है वाटरमेलन, तो जो उसका जो रेड पार्ट होता है वो क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव स्फीयर है वो रेड पार्ट है, और उसके जो ब्लैक ब्लैक जो बी होते हैं ठीक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सो थॉमसन ने जो एटम्स का जो मॉडल है वो इसके साथ कंपेयर किया। अब समझ में आ गया, और इस पैराग्राफ में कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है, जो वो क्रिसमस पुडिंग वाला जो पोर्शन है वो हम पॉइंट है वो कट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एमपी है। सो थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने दो सेंटेंस हमको नोटिफाई किया, कौन कौन से दो है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। मतलब कोई भी एटम है तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, वो जो पूरा जो पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन से वो उसमें एम्बेडेड है यानी उसमें इंक्लूड है, ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड देखते हैं, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर आप काउंट कर सकते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो स्ट्रेंथ है उसकी जो कोई भी मैग्नीट्यूड है ठीक है उसकी मात्रा है तो वो दोनों इक्वल होगी। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एटम क्या है, न्यूट्रल है। ये आपको याद रखना होगा कि एटम क्या है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेम चार्ज है, ठीक है। सो दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो ये जो मॉडल है नहीं एक्सप्लेन कर सके, इसलिए सो दूसरे साइंटिस्ट ने ए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल से हमें और कुछ लर्न कराया। सो हम नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब हम रुदरफोर्ड का मॉडल है वो समझेंगे। अब क्या है कि रुदरफोर्ड का मॉडल है तो हमें इतना सारा जो उसका जो पूरा का पूरा है वो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आएगा बोहर। सो हमें इस तरह से कोई भी एग्जाम होगी इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन तो होगा ही, थॉमसन का, रुदरफोर्ड का या बोहर का। सो आपको ये सभी है वो लर्न करने हैं, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन है इसलिए इंट्रोडक्शन का पार्ट है और आज फर्स्ट लेक्चर है तो यहाँ तक आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं, ओके, थैंक यू।